लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 20 जनवरी की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार, राष्ट्रीय समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के समाधान के लिए सामूहिक कार्रवाई आवश्यक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई को दी 38,800 करोड़ की सौगात, बोले दुनिया को भारत के बड़े बड़े संकल्पों पर भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजाया ढोल, बोले सुशासन और सद्भाव के रास्ते पर कर्नाटक सरकार। कर्नल रैंक में 108 महिला अफसरों को प्रमोशन देकर इसी महीने से कमांड में तैनात करेगी सेना। जंगल की आग से जैव विविधता को नुकसान, एनडीआरएफ कर्मियों को इससे निपटने का दिया जाएगा प्रशिक्षण। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने निलंबित डीएमके नेता शिवाजी कृष्ण मूर्ति के खिलाफ दायर किया मुकदमा। कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों का धरना जारी, खेल मंत्रालय के अधिकारियों से मिला दल। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया जारी। जोशीमठ में इमारतें गिराने का काम जारी, जेसीबी की मदद से तोड़ा गया पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस। सीएम धामी बोले, यहां 70% लोगों का जीवन सामान्य। रिपब्लिक डे परेड में 50 विमानों का प्रदर्शन, 9 राफेल कर्तव्यपथ पर फ्लाई पास्ट करेंगे। नेवी का IL-38 आखिरी बार उड़ान भरेगा। त्रिपुरा में सीनियर सिटीजन को वोट फ्रॉम होम की सुविधा, 80 साल से ज्यादा उम्र वाले दिव्यांग घर से कर सकेंगे मतदान, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना टारगेट। समाचार अंतर्राष्ट्रीय। कतर में हिरासत में लिए गए नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों से भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने की मुलाकात, अरिंदम बागची। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डर्न ने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। भारत व मालदीव पर क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी, जयशंकर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भीषण हेलीकॉप्टर क्रैश को बताया युद्ध का नतीजा। पाकिस्तान को खैरात नहीं देगा सऊदी, फाइनेंस मिनिस्टर बोले, हमने तरीका बदल दिया, बिना शर्त के कर्ज नहीं देंगे। बातचीत की गुहार पर पाकिस्तान को जवाब, भारत ने कहा पहले आतंकवाद बंद करो, हमने तो हमेशा अच्छे रिश्ते चाहे। टोंगा के ज्वालामुखी की शॉक वेव्स अटलांटिक तक पहुंची, 18,000 किलोमीटर दूर समुद्र में लगे सिस्मोमीटर्स में रिकॉर्ड हुई, आगे रिसर्च के काम आएगा डेटा। यूएन चीफ ने तेल कंपनियों को झूठ बोलने पर फटकारा, बोले इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी धरती, यहाँ रहना मौत की सजा जैसा होगा। समाचार खेल संबंधित। हॉकी वर्ल्ड कप, भारत ने वेल्स को 4-2 से हराया, डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से चुकी टीम इंडिया, अब न्यूजीलैंड को हराना होगा। धर्मशाला में भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच, 15 फरवरी से टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग, अंतिम सप्ताह में स्टेडियम के बाहर से खरीद सकेंगे। शुभमन गिल ने बनाए 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड, तेंदुलकर ईशान और फकर जमान को पीछे छोड़ा, रोहित बने भारत में सिक्सर किंग। हॉकी वर्ल्ड कप, इंग्लैंड ने स्पेन को दी आसान शिकस्त, रोचक हुई क्वार्टर फाइनल की लड़ाई। हॉकी वर्ल्ड कप, नीदरलैंड ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, चिली को 14-0 से हराया, मलेशिया और इंग्लैंड की भी जीत। ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरे दौर में ही ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हुई शीर्ष 2 खिलाड़ी कैस्पर रूट को जेंसन ने हराया। समाचार बिजनेस संबंधित। शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स 187 और निफ्टी 57 अंक गिरकर बंद। ऊंची महंगाई से मौद्रिक और राजकोषीय नीति के बीच तालमेल का संकट, IMF। पीएम मोदी रोजगार मेला के तहत 71,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे, ऑनलाइन होगा संबोधन। इनसाइन का मुनाफा 58% और सेंट्रल बैंक का 64% बढ़ा, ग्रॉस NPA रहा 2.06%। दिसंबर 2022 में हवाई यात्रा में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी, इंडिगो रही पहली पसंद। एप्पल के सप्लायर्स भारत में बनाएंगे iPhone, 14 सप्लायर्स को भारत सरकार का क्लियरेंस, जल्द शुरू करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। समाचार में बस इतना ही, धन्यवाद।